विद्यार्थी मित्रों, बेजिक इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में केवो कंसेप्ट हो शू ध्यान में राखू ए हूँ तमने आ लेक्चर में शीखवाड़ू छू। ये तमे ध्यान थी जुओ, एमा बे प्लेन होय छे, एक वर्टिकल प्लेन एटले के वीपी अने एक होरिजेंटल प्लेन एटले के एचपी। तो आने आपणे कहीए एचपी आथे वीपी। जो तमे आइसोमेट्रिक व्यू में तमे आने जुओ तो चार चरण बने, फोर क्वाड्रंट, होरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। हवे आमां आ जे बे प्लेन मेच थाय छे त्यांथी एक कॉमन लाइन थाय, ये एक्स वाय लाइन थाय आपणी। तमने के पॉइंट एचपी थी ऊपर से, एबव एचपी, तो एचपी नी ऊपर एटला आ बाजू थाय। हवे सेकंड पोजिशन ना के त्यां सुधी डिसाइड ना थाय के वीपी नी पाछळ छे के सामे छे। सेकंड पोजिशन के पॉइंट ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एक माणस आपणे अहींया ऊभो छे, आपणो व्यू अहींयाथी थई रह्यो छे। हवे तमे अहींया जुओ, एचपी नी ऊपर वीपी थी, एचपी थी नीचे वीपी नी सामे, एटले तमे अहींया ऊभा छो, तो आ सामे कहेवाय, पेलू पाछळ कहेवाय। एटले वीपी नी सामे अने वीपी नी पाछळ एटले के बिहाइंड वीपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। आ पोजिशन ध्यान में राखवानुं अने तमारे दोरवानुं के एचपी थी ऊपर होय, एटले के पॉइंट छे एचपी थी ऊपर 30 mm, एटले के आ लाइन में क्यांक छे, अने वीपी थी 20 mm ऊपर, एटले अहींयाथी 20 mm ऊपर, तो अहींयाथी 20 mm ऊपर एटले अहींया पॉइंट नक्की थयो तमारो। हवे ए पॉइंट तमे जुओ के ऊपरथी जुओ तो ए प्लान थशे, एटले के अहींया आवशे, अने सामेथी जुओ तो एलिवेशन थशे, एटले के अहींया आवशे। हवे डिस्टन्स शू कीधुं तुं, 30 mm एबव एचपी, तो आ 30 થયું, અને વીપી થી 20 mm સામે, તો આ 20 થયું। હવે ઓરિજિનલ પ્લેન આપણે બોર્ડમાં દોરી શકતા નથી, તો આ ઓરિજિનલ પ્લેનને ક્લોકવાઇઝ રોટેટ કરો, તો આ જે ડિસ્ટન્સ હતું ને તમારું 30 mm, એ રોટેટ થઈ અને અહીંયા નીચે આવશે, અને આ 20 mm, આ જે તમારું ડાયમેન્શન હતું એ, એટલે કે આ 20, આ 20 અને આ રોટેટ થઈને અહીંયા આવ્યું, એ પણ 20 થયું, અને આ 30, આ 30। હવે તમે જુઓ એક્સ વાય લાઇનથી ઉપર 30 mm અને નીચે 20 mm, જો એબોવ એચપી હોય તો એ ઉપર આવશે, એ એલિવેશન થશે, એટલે એને આપણે એ ડેશ કહીએ। અહીંયા પોઈન્ટ હતો આપણો એ, તો આનો એલ પ્લાન થશે નીચે અહીંયા, એટલે અહીંયા આવશે એ ડેશ। પણ હોરિઝોન્ટલ પ્લેનમાં આપણે ડ્રો નથી કરી શકતા, આપણી પાસે લિમિટેડ એક જ પેજ છે, તો આપણે એક્સ વાયથી ઉપર અને એક્સ વાયથી નીચે, તો આ એલિવેશન છે, સોરી આ પ્લાન છે, એ આ પ્લાન છે એ નીચે આવશે, અને આપણે અહીંયા કહીશું એ। તો હવે અલગથી દોરવું હોય તો આ એક્સ વાય લાઇન એચપીથી ઉપર 30 mm, એચપીથી ઉપર 30 mm, અને એ થશે એલિવેશન, વીપીની સામે 20 mm, તો વીપીની સામે 20 mm એટલે અહીંયા આવશે, અને અહીંયાથી નીચે જશે, તો સામે એટલે આપણે અહીંયા નીચે આવશે, અને એ થશે એ, આ 20 mm। આ એક પોઝિશન થઈ એચપીથી ઉપર અને વીપીની સામે। હવે એચપીથી ઉપર હોય અને વીપીની પાછળ હોય તો પોઈન્ટ અહીંયા બનશે, તો આનો એલિવેશન ઉપર આવશે, અને આનો પ્લાન છે એ અહીંયા આવશે। જો અહીં આવે તો આ પ્લેન ક્લોકવાઇઝ રોટેટ થઈ, એ પણ તમારે વીપીમાં જ દર્શાવવું પડે, એટલે એચપીથી ઉપર 30 mm અને વીપીની પાછળ 20 mm હોય, તો પાછળ હોય તો તમારે અહીંયાથી જ ઉપરની સાઈડ દર્શાવવું પડે 20 mm, અને એ થશે એ। આ બીજી પોઝિશન, બીજું ક્વાડ્રન્ટ, થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ, એચપીથી નીચે હોય
सपोज पॉइंट हवे अहीं छे एचपी थी नीचे आटला में क्यांक छे तो वीपी नी सामे होय तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आवे अने वीपी नी पाछळ होय तो अहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आवे। आपणुं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट अने फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एचपी थी नीचे एटले अहीं होय अथवा तो अहीं होय शके। वीपी नी सामे कह तो अहीं आवे, वीपी नी पाछळ कह तो अहीं आवे। तो आ पोजिशन में होय सपोज के एचपी थी नीचे आ एक्स वाई लाइन दोरी आपणे, एचपी थी नीचे 30 mm ए पॉइंट कहीए सी, तो सी डेश वीपी नी सामे 20 mm सामे छे तो ए पण नीचे आवे, ए थशे आपणे सी। तो आ 20 mm, आ 30 mm, आ बाजु जोईए तमे एचपी थी नीचे 30 mm होय पॉइंट डी, तो डी डेश थशे, अने वीपी नी पाछळ एटले के बिहाइंड वीपी होय तो ए पॉइंट नो प्लान अहीं आवशे, अहींथी क्लॉकवाइज रोटेट थईने ऊपर जशे, तो ए 20 mm आपणे अहींया ऊपर दर्शाववानुं छे अने ए थशे ए डी। तो समझो एचपी थी ऊपर होय तो पॉइंट एलिवेशन ऊपर आवे, वीपी नी सामे होय तो प्लान नीचे आवे, एचपी थी ऊपर होय तो एलिवेशन ऊपर आवे, वीपी नी पाछळ होय तो प्लान एक्स वाई थी ऊपर आवे, एचपी थी नीचे पॉइंट होय तो एलिवेशन नीचे आवे, वीपी नी सामे होय तो प्लान नीचे आवे, एचपी थी नीचे पॉइंट होय तो एलिवेशन नीचे आवे, अने वीपी नी पाछळ होय तो प्लान तमारो एक्स वाई लाइन नी ऊपर आवे। आ कंसेप्ट तमने ध्यान में आवे तो तमे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट दोरी सको कोईपण पोजिशन प्रमाणे, अने आ पोजिशन आवड़े तो ज तमे प्रोजेक्शन लाइन के जे आपणे नेक्स्ट सेशन में आवशे ए तमने आवडशे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।